बहुत ही अच्छी वे में बोल दिया है कि मुझे बता दो अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो आई एम सॉरी. आपने अपना ईगो भी तोड़ दिया है, आप सब कुछ बोल रहे हैं उनसे कि सॉरी जो भी है व्हाटएवर कि गलती हो गई जाने अनजाने में माफ़ कर देना जो भी, बट सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है फिर आप पीछे थोड़ी पड़ेंगे यार, है ना. उनको भी जीने दीजिए, खुद भी जीजिए, बाहर निकलिए और आपको पता है ये टाइम आ गया मूव ऑन को. पीछे पलट के मत देखिए, पीछे पलट के मत देखिए. जिंदगी में अगर वो मौका दोबारा मिलेगा, जो कि बहुत कम होता है और मिल लेना नहीं चाहिए वो मौका दोबारा पलटने का पीछे, लेकिन अगर इंसान में इस लेवल का चेंज है, जो लेवल का चेंज एक टाइम के बाद आता है, 2-3 महीने में नहीं आता है, एक टाइम के बाद आता है. अगर आपको लग रहा है इस लेवल का चेंज है उस आदमी में और उस टाइम आप सिंगल हैं, यू वांट टू डेट अगेन, करो ना यार डेट वापस, क्या प्रॉब्लम है. लेकिन दोबारा अगर आदमी ऐसी गलती करे दोबारा तो फिर वो आप झेलो, ठीक है. लेकिन ये देखो, ये लाइफ प्रोसेस है. मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है, किसी ने आपको छोड़ा उसमें आपकी गलती नहीं है, एक्सेप्ट करिए, उनसे पूछिए, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं आगे बढ़ जाइए, खत्म बात. कहते हैं रिलेशनशिप का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज़ करना. मैं नहीं मानती, मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप का मतलब होता है एक्सेप्टेंस करना, किसी इंसान को उसके अच्छे में भी और बुरे रूप में एक्सेप्ट करना. जब आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर क्या कॉम्प्रोमाइज़ है यार, फिर क्या कॉम्प्रोमाइज़ है, पता ही है ना आपको कि क्या होगा क्या नहीं होगा. सो लव इज़ अ फ्रीडम यार, आज़ादी किसी इंसान को जीने की, जिस तरह वो जीना चाहते हैं. आप उनके पेरेंट्स नहीं हैं, आपको ये बात समझनी है, और वो दोनों ही एंगल पे मैच्योर हैं, एज वाइज भी और मेंटली भी. इंसान अपनी ज़िंदगी खुद जी सकता है जैसे वो जीना चाहता है. हमारा काम होना चाहिए एक्सेप्टेंस देना, उनको फ्रीडम देना, और उसके बाद भी अगर वो अपनी ज़िंदगी में हमें रखना नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ किसी के पीछे पड़ के ज़बरदस्ती प्यार मत मांगिए, क्योंकि वो प्यार ना सक्सेस नहीं हो सकता है कभी भी, वो कुछ टाइम के बाद टूटना ही टूटना है. इट्स बेटर कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए थोड़ी बहुत, उससे बहुत ही मैच्योरली और अच्छी तरीके से आउट हुई है हो जाइए, और इन सब फालतू चीज़ों मत पड़िए, गाली गलौज ये सब में मत पड़िए. मैं बता रही हूँ आई एक्सपीरियंस. एट द एंड बड़ा अच्छा लगता है किसी को बोल के हाँ भाई तू कर ले एंड ऑल दैट वो सब, लेकिन फिर वो आप अपने ही उसमें चल रहे होते हैं कुछ दिनों के बाद और आप अपनी गिल्ट में जा रहे होते हैं, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली. सो आई होप यू ऑल लाइक दिस ब्लॉग. देखिए रिलेशनशिप चाहे कितना ही लंबा हो या कितना भी छोटा हो, सबको पता होता है एक एंगल में क्या चल रहा है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं. इग्नोर मत करिए, उसको सुनिए और सामने वाले से प्रॉपरली कम्युनिकेट करिए, और अगर वो एक्चुअली में आपके साथ रहना चाहते हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, तो वो उस लेवल पे आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपकी इनसिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और आप भी उनको करेंगे. दैट इज़ ऑल. और इसके अलावा अगर कुछ भी है, सायोनारा सर एंड मैम, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन माय ब्लॉग. Have a good night, enjoy yourself, and don't take tension, don't give tension. That is what the life is all about. Be accepted.